दिवस जी हाँ पांच राज्यों में इलेक्शन ने त्यार बाद जनताए जे जनादेश आप्यो छे काउंटिंग थई रह्युं छे। वलण में यूपी जी हाँ उत्तर प्रदेश नी जो बात करवामां आवे वलण में त्यार सुधी में पांच पैकी चार राज्यों में भाजप आगळ देखाई रही छे। यूपी उत्तराखंड मणिपुर अने गोवा में भाजप आगळ देखाई रही छे। वलण में यूपी उत्तराखंड गोवा भाजप में पूर्ण बहुमत तरफ आगळ देखाई रही छे, एटले के ज्यां तेमनी सरकार छे त्यां आगळ देखाई रही छे। पंजाब अहीं सौथी वधारे अगत्यनो पंजाब एटला माटे छे कि ज्यां कोंग्रेसनी सरकार हती अने आम आदमी पार्टी आगळ देखाई रही छे। अत्यार सुधीना जे वलणो आव्या छे पांच राज्योमां चूंटणी थई आजे काउंटिंग थई रह्युं छे एटले मतगणतरी थई रही छे अने तेमां चार राज्योमां बीजेपीनी सरकार छे अने आ चारे चार राज्य यूपी उत्तराखंड गोवा भाजप पूर्ण बहुमत तरफ आगळ देखाई रही छे। गोवामां जोरतोड साथे तेणे सरकार बनावी हती, भले 2017 कोंग्रेस ने वधारे सीटो हासिल थई हती परंतु बीजेपीए सरकार बनावी हती। त्यां आ वखते बीजेपी माटे सारी स्थिति अहींया जोवा मळी रही छे अने गोवा एवुं स्टेट के ज्यां आम आदमी पार्टीए पण मेहनत करी, टीएमसीए पण मेहनत करी ने तेम छतां पण बीजेपी तरफी अत्यारे माहोल देखाई रह्यो छे जे रीते वलण सामे आवी रह्या छे। शरूआतना वलणો प्रमाણે पंजाबमां आपनी सरकार देखाई रही छे, 80થી વધુ બેઠકો પર આમ આદમી પાર્ટી આગળ દેખાઈ રહી છે, કોંગ્રેસ પીછે હટ કરતી અહીંયા દેખાઈ રહી છે। આપ જોઈ શકો છો કોંગ્રેસ 14 બેઠક જ્યાં તેની સરકાર છે ત્યાં જ કોંગ્રેસ પાછળ છે, આમ આદમી પાર્ટી આગળ દેખાઈ રહી છે, ભાજપ 5 બેઠક પર આગળ છે। શરૂઆતના જે વલણ છે તે પંજાબમાં આપની સરકાર, જો આપની સરકાર બને છે તો પછી આ બીજું એવું સ્ટેટ હશે દિલ્હી બાદ કે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીની सरकार हशे। 87 बैठक पर आम आदमी पार्टी, इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी पंजाब से चेतन हमारे साथ जुड़े हैं। जी चेतन, पंजाब ऐसा स्टेट, ये पांच स्टेट में अगर देखा जाए तो पंजाब ऐसा स्टेट के जहां पर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वो भी अब जाती हुई दिख रही है, आम आदमी पार्टी 87 सीट्स पर आगे दिखाई दे रही है। हाँ जी, बात करिए पूरे पंजाब की तो पंजाब में इस टाइम जड़ा पूरी आम आदमी पार्टी की हवा चल रही है, जो कांग्रेस की है बात है वो भी अब जाती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ का विधानसभा हल्का लंबी है जहाँ से अपने पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल जो चोन मैदान में थे, उनकी भी जो सीट है तीसरे राउंड में जो ना पीछे जा रही है। यहाँ से जो आम आदमी पार्टी की है जो भी वन कैंडिडेट है गुरमीत सिंह खुडिया, उनकी जीत आगे जा रही है, वो तीसरे राउंड में भी आगे जा रही है। पूरे पंजाब में इस टाइम जो देखा जाए जो इसी समय जो है ना आम आदमी पार्टी की 80+ के ऊपर जुड़ी है वो ना सीटें नजर आ रही है। जी जी चेतन, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ कारण दिखाई दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी जिस तरह से इतनी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, क्या कुछ रीजन है? कांग्रेस के अगेंस्ट में कौन से कारण ऐसे हैं जो वहां की जनता ने नहीं चुन पा रही है कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस का ये जो पहले पिछले वाले वो जो 4.5 साल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जब अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका जो कार्यकाल में ना उनमें वो ना पंजाब का जो भी है कोई मसला नहीं हो, जो नए मुख्यमंत्री आए उनमें भी जो यहाँ की जनता जो संतुष्ट नहीं हो सकी। इस बार जो भी है लगातार जो पहले से भी आम आदमी पार्टी की पूरी हवा चल रही थी पंजाब में, इस बार अब जो मेन जो पंजाब के ज्यादा जो नेता सारे जो अपने पीछे जा रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल है, सुखबीर सिंह बादल है, चन्नी भी दो विधानसभा हल्के से है वो भी अभी तक पीछे जा रहे हैं, राजा बिड़ंगा वो भी अपने कांग्रेस के वो भी पीछे जा रहे हैं। जी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनती है तो क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? हाँ, इस बार पूरे पंजाब के अंदर एक ना बदलाव की मुहिम चल रही थी भी, जो आम आदमी पार्टी में जनता ने यही रखा था कि दूसरे पार्टियों से अलग है जो यहाँ के जो मसले है जो एजुकेशन को लेके एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर वो मसले मतलब आम आदमी पार्टी के हल किए जाएंगे। इसी तरीके से मतलब आम आदमी पार्टी के जोर इस बार नौजवान में, होरों में, बुजुर्गों में बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा था। जी चेतन, ऐसा तो